आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, इस समय पूरा देश कोरोना महामारी की जंग को लड़ रहा है और हमारे मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कोविड 19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आज आपदा की इस घड़ी में आप कोरोना वॉरियर बनकर देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर और एज ए डॉक्टर। इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रणदीप, आप देश में कोविड 19 की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? जहां एक ओर 1.25 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, वहीं दूसरी ओर 54,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और हमारे देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 41% से भी ज्यादा है। अगर हम कोरोना वायरस की अभी स्थिति देखें तो उसमें दो चीजें सामने आती हैं। एक चीज तो ये है कि आस्ता आस्ता कई क्षेत्र हैं जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी जो रेट ऑफ राइज जो हम कहते हैं, जो बढ़ोतरी है, वो इतनी तेज नहीं है जैसे बाहर के देशों में है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कह सकें कि केसेस कम हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये सिर्फ कोई 5-6 जगह पे ही हैं। ज्यादातर हमारे देश में केसेस इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, कम हैं, और इसलिए अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे जैसे लोग ट्रैवल करेंगे, आना जाना शुरू होगा, इकोनॉमी फिर से शुरू होगी, तो जो हम अभी बातें कर रहे थे कि हमें जो चीजें करनी है, चाहे वो मास्क की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, या हाथ अपने साफ रखने हैं, वो तो और भी जरूरी हो जाते हैं। और इसके अलावा जहां जहां पे हम देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स हैं या जहां पे कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां पे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें वहां पे पूरी कोशिश करनी है कि केसेस वहां पे कम हों और कोरोना वायरस जो है वहां पे लोगों में ना फैले। डॉक्टर रणदीप, लॉकडाउन 4 में बहुत सारे कार्यालयों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। अब जबकि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे जैसे अब ऑफिसेस खुल रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं, तो दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हम कहते हैं कि ऑफिस में भी अगर आप बैठी हैं तो कम स्टाफ रखो, उनकी दूरी जो है कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी में बैठे, वो आपस में खाना इकट्ठा ना खाएं। पुरानी आदतें होती हैं कि लोग खाने के टाइम में या ब्रेक के टाइम में, चाय पीने के टाइम में इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, वो बिल्कुल ना करें। जैसे ऑफिस में अंदर आए या ऑफिस के बाहर जाए तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें, जब भी कहीं बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, और मतलब क्राउड अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। कई ऑफिस ये भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आए और एक दूसरी जगह से बाहर जाए, जिससे मिक्सिंग ना हो, वन वे लोगों का आना जाना हो,
जिससे दरवाजों पे या रास्ते में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और ऑफिसेस के साथ दुकानों के भी शटर खुलने लगे हैं। शॉप्स की अगर हम बात करें तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गई थीं और बहुत दिनों बाद उन्हें खोला गया है। तो जब कोई भी दुकानदार रिटेलर अपनी दुकान को खोलता है तो उसे उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वहां पे किस तरीके से हम सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हैं? आपकी बात सही है, कई दुकानें कई हफ्तों तक बंद रही हैं। जब ये खुलती हैं तो सबसे पहले तो चीज है कि उसकी पूरी सफाई हो, हम सैनिटाइज उसको करें जिससे वहां पे अंदर इंफेक्शन के कोई चांस ना हो और साफ सुथरी वो दुकान हो जब वो खुलती है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग दुकान में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर किसी की दुकान छोटी है तो वो एंट्रेंस पे ही देखें कि लोग ज्यादा अंदर ना जाएं, ये क्या दो से ज्यादा कस्टमर अंदर ना हो और बारीक एक एक करके ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग दुकान के अंदर आए। कई दफा आप दुकान में कुछ बैरियर सा लगा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कर्टन है या कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग या इन्फेक्शन ना फैले। जी, कई दुकानदार अपनी दुकान में जैसे बाथरूम कर्टन होते हैं उस टाइप के कर्टन लगा लेते हैं जिससे वो कस्टमरों से बात भी कर लें लेकिन बैरियर एक बीच में रहे जिससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना फैले। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से सतर्कता बरतनी होगी, बैरियर लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो है ट्रैवलिंग भी लोगों की शुरू हो रही है, फ्लाइट शुरू हो रही हैं, ट्रेन शुरू हो रही हैं, तो ऐसे लोग जो यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज है क्योंकि ट्रैवलिंग में कई दफा इतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आप रख सकते जी, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ट्रैवलिंग में सब लोग जो हैं वो मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने के दो फायदे हैं, एक तो ये है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है और उसने मास्क लगाया है तो खांसने पे या छींकने पे या जोर से बोलने से वायरस जो है उसके मास्क के बैरियर के कारण आगे ज्यादा फैलेगा नहीं और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, जिसने मास्क लगाया है और जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसको भी, उसने भी अगर आगे मास्क लगाया तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा तो उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। तो जब भी आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे बस से कर रहे हों, चाहे ट्रेन से कर रहे हों, चाहे हवाई जहाज से कर रहे हों, ये जरूरी है कि आप सारे टाइम मास्क अपना लगा रखें, उसमें कोई ढील ना दें। कोई भी आप सरफेस को टच करते हैं, चाहे हैंडल को पकड़ते हैं या कुर्सी के बस की कुर्सी को पकड़ते हैं तो उसको अपने हाथ जरूर सैनिटाइजर से उसके बाद साफ करें। और दूसरा चीज ये कि जब सफर कर रहे हैं तो अपना हाथ जो है वो चेहरे पे जितना कम लगा सके उतना कम लगाएं। अगर वायरस किसी के हाथ से भी आ जाता है जी, तो वो सांस की नाली में या गले में तभी जा सकता है अगर हम हाथ जो है अपना चेहरे पे लगाएं। अगर हम हाथ चेहरे पे ना लगाएं और हमारे हाथ पे गलती से भी वायरस आ जाए तो वो वहीं पे रहेगा और जब भी हम अपना हाथ धोएंगे तो वो मर जाएगा। अगर हम उस अगर हाथ में इंफेक्शन है और हम बार बार अपने चेहरे को, नाक को, मुंह को छूते हैं जी, तो फिर वो वायरस एकदम नाक और मुंह के पास पहुंच जाता है और फिर गले में आ जाता है। ये कई चीजें हमें सावधानियां जो हैं ये ट्रैवल करते समय जरूरी है कि हम इसका पालन करें। डॉक्टर नरदीप, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है और इस बीच बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जिनके मन में कई तरीके के सवाल हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं दिल्ली से राकेश जी को। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो राकेश जी। सर नमस्कार। सर जी सर, जैसे कि हम, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें लगभग रोजाना ही ऑफिस जाना होता है, तो सारी एहतियात बरतने के बावजूद हमें अपने डर बना ही रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो मेरा प्रश्न ये है सर कि अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई जैसे मेरा मेरे एक फ्रेंड है, अगर होम क्वारंटाइन होना हो गए हैं तो उसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए? तो दो चीजें हैं आपकी, एक तो चीज यही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए तो ये जरूरी है कि अपनी खान पान पूरी अच्छी रखें, हरी सब्जियां फ्रेश फ्रूट्स लें,
पानी का पदार्थ अच्छे रखें। जब भी आप ऑफिस से आए, घर में आने के एकदम, घर कई लोग जूते भी बाहर निकाल लेते हैं, अपने कपड़े धोने में डाल के नहा सकते हैं, हाथ अपना अच्छी तरह से धोएं, और ये देखें कि कहीं जाएं, जहां पर भी आपके हाथ लगते हों वहां पे अच्छी तरह से सैनिटाइजर के साथ वो सरफेस साफ हों। एक तो ये आपको घर आने पे पूरा प्रिकॉशन रखने चाहिए जी। और अपनी डाइट ठीक रखनी चाहिए। जो आपका दोस्त जो होम क्वारंटाइन हुए हैं, होम क्वारंटाइन का ये मतलब कि दो चीजें होती है, हमें ये समझना चाहिए कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या फर्क है। क्वारंटाइन हम उन लोगों को करते हैं जो किसी कोविड व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, लेकिन अभी इन्फेक्शन हुआ नहीं है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्वारंटाइन करते हैं। आइसोलेशन तब हम कहते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और जिनको कोविड इन्फेक्शन है, उनको हम पहले अस्पताल में रखते थे, अब होम आइसोलेशन भी सरकार ने अलाउ कर दिया। जो भी लोग होम क्वारंटाइन करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि उनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो अलग कमरे में रहें, वो अगर बाथरूम अलग है तो एक ही बाथरूम यूज करें, बाथरूम शेयर ना कर सकें जहां तक हो पाए। अगर नहीं हो पाए तो जब भी वो बाथरूम यूज करते हैं तो सैनिटाइजर के साथ उसको अच्छी तरह से साफ करें, बर्तन भी अपने अलग यूज करें और उनको अच्छी तरह से खुद धो के फिर साफ रखें। और अगर किसी से, जो आपके अगर घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उनसे ना मिलें, और ये दो हफ्ते के लिए करना जरूरी है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की वेबसाइट में इसके पूरे डूज और डोंट्स का पूरा लिस्ट है, वो आप पूरी तरह से देख के उनको पूरा समझ के घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं जी। होम क्वारंटाइन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और इस कार्यक्रम से पूरे देश से श्रोता जुड़ते हैं। अब हम रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, और सिलीगुड़ी से डोलन दास हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी दास। हाँ, जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी मैम, अपना सवाल मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में ये जो स्कूल खुलने वाले हैं, तो स्कूल में तो नेचुरली बहुत भीड़ होगी स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? और मैं अथॉरिटीज से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर 2-3 महीने स्कूल ना खुला जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल खोलने से शायद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी स्कूल खोलने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, और अगले 1-2 महीने तो मुझे नहीं लगता स्कूल खुलेंगे। जब भी बच्चे स्कूल में जाएंगे तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि किसी बच्चे को भी बुखार हो, जुकाम, नजला हो, तो उसको स्कूल नहीं आना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। कई दफा पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई मिस हो जाएगी तो स्कूल भेज देते हैं, लेकिन इस दौर में, कोविड के दौर में, ये बहुत जरूरी है कि जिसको भी थोड़ी सी इन्फेक्शन हो वो स्कूल ना आए, क्योंकि वो अपने पूरी क्लास को भी इन्फेक्शन दे सकता है। दूसरा यही है कि जब भी कोई स्कूल खुलेगा तो शुरू में ये जरूरी होगा कि हम बच्चों का देखें किसी को बुखार तो नहीं है, सारे बच्चे आने से पहले स्कूल के अपने हाथ धोएंगे, फिर अंदर आएंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है वो किया जाएगा, और मॉनिटरिंग बच्चों की क्लोजली करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्कूल जो है, अभी समय नहीं है कि हम अभी एकदम स्कूल खोलने का सोचें जी। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और इस बीच जयकिशन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जयकिशन जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूं कि आपकी वजह से तो इतनी जागरूक हो गए हैं, जो कि कोरोना को निश्चित तौर पे हार मिलेगी। अब मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने की, हाथ पे छिड़कने की बात होती है, अब हम ऑफिस में गए और बाहर से हाथ पे उन्होंने डाल दिया और वो बहुत ओरिजिनल होता है, और जाते ही उनको चाय या बिस्कुट खाना शुरू कर दिया, या फिर घर में गए तो भारी बच्चे कहते हैं इनको हाथ पे ले लो, और लेने के बाद जो है और घर में चले गए और खाना खा लिया उन हाथों से, तो क्या हमें उससे पहले साफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई भी साफ बताते नहीं जी। डॉक्टर साहब, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? इनका जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है। यही है कि हम सैनिटाइजेशन के लिए तो कहते हैं, लेकिन जहां पर भी हो सके तो साबुन और पानी के साथ हाथ धोना चाहिए।
सैनिटाइजर है वो एक केमिकल है, कुछ हद तक हाथ में लग जाता है, तो जैसे कहा गया कि कई दफा आपको खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि जहां पर भी है यहाँ, जहां पर सुविधा हो तो साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। जब हम हाथ धोने की बात करते हैं साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हाथों की हथेली हो, हाथ के पिछले हिस्से हो, उंगलियों के बीच की जगह हो, या अंगूठा हो, या बिल्कुल रिस्ट तक जो पूरा साबुन लगाना चाहिए, क्योंकि कई दफा लोग जल्दी में हाथ धोते हैं और कई जो हिस्से हैं हाथ के वो रह जाते हैं और उसमें फिर इन्फेक्शन का डर रहता है। लेकिन जब भी आप घर आए खाना खाने से पहले तो साबुन के साथ और पानी के साथ हाथ जरूर धोएं। और डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, नए नए बातें लोग बताते रहते हैं। इस समय एक जो चीज जिसके बारे में हम क्लेरिफिकेशन आपसे जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजर को लेके ये आ रहा है कि इससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, क्या ये सही बात है? नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर आप सैनिटाइजर 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें तो वो आपके हाथ से ही रहता है और वो इवेपोरेट कर जाता है, उड़ जाता है वो, तो उससे कोई कैंसर वाला ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे हम कह ही रहे हैं कि जहां जहां पे सुविधा हो, तो जैसे हम पुराने जमाने में करते थे कि साबुन और हाथ के साथ हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते थे, घर आते थे बाहर से तो भी अपने हाथ धोते थे, जूते बाहर रखते थे, और घर ऑफिस से आते थे तो जरूर नहाते थे, वही आदतें हमें फिर से जो हमारी पुरानी आदतें हैं या पुराने संस्कार हैं उनको हमें फिर से एक दफा पूरी तरह से लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है हमें कोरोना के साथ ही अपनी जिंदगी को जीना है और बहुत समय तक हम अंदर नहीं रह सकते, हमें अपने काम धंधे पे भी जाना है, तो आपने ये जो छोटी छोटी सी बातें बताई हैं जिनको करके, इस हाइजीन को मेंटेन करके हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बीच हम रुक करेंगे राजस्थान में जयपुर का, जहां से राम अवतार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो राम अवतार जी, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए अपना। जी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, दो सवाल है। हेलो जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ सर, एक तो ये है कि जैसे मतलब ये अप्रवासियों की मतलब इनकी क्लीनिंग होती है, जांच होती है, फिर इनमें कोरोना वायरस कैसे आ जाता है? अगर हम जांच करते हैं तो जांच हम एक पॉइंट पे करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस की एक जो हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मान लो आज एक व्यक्ति को वायरस का इंफेक्शन हुआ है, उसके उसके लक्षण के लिए 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं। आमतौर पे 5 से 7 दिन लगते हैं, फिर 10 से 14 दिन भी लग सकते हैं। और इस दौरान अगर हम टेस्ट करें शुरू के 5 दिन में, तो गले में इतना वायरस नहीं होता कि वो टेस्ट उसको पकड़ सके और वो आपकी जांच में नेगेटिव आएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनको जब लक्षण शुरू होंगे तो फिर उनको इन्फेक्शन होगी। तो इसलिए जांच जो है वो सही समय पे करने पे ही कोरोना वायरस इन्फेक्शन पिक हो सकता है, पकड़ में आता है। अगर हम जांच पहले कर लें जब अभी लक्षण पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं तो टेस्ट में वो आएगा नहीं। जी, और डॉक्टर रणदीप, जो CSIR है उसको COVID-19 के उपचार के लिए बीच में 2 दवाओं की बात चल रही थी क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिसमें फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेवीपिराविर, जो इनके परिणाम किस तरीके के आ रहे हैं? फेवीपिराविर जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है जो जापान में काफी यूज किया गया है, और वो इन्फ्लुएंजा के लिए भी, जो हम जैसे स्वाइन फ्लू की बात करते हैं वो भी एक वायरस है, उसमें भी यूज किया गया है। और कुछ शुरू का डेटा चाइना से भी आया था कि शायद ये कोरोना वायरस में भी इफेक्टिव हुआ, असर कर पाए। तो इससे ही अब कुछ ट्रायल चल रहे हैं देखने के लिए कि क्या ये कोरोना वायरस जो नया वाला COVID-19 है इसमें असरदार है, और उसमें क्या ये हम अगर दें तो इससे वायरस खत्म हो सकता है। इसी तरह से और जो दवाइयां हैं वो भी ट्राई की जा रही हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, एक US का ड्रग है रेमडेसिविर करके के नाम से, उसकी भी आजकल काफी चर्चा है, क्योंकि कुछ जो अभी डेटा पब्लिश हुआ है कई जर्नल्स में उसमें भी ये दिखाया गया है कि उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है, और ये कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये वाली दवाई भी कुछ हद तक मदद कर पाए।
और डॉक्टर रणदीप, कुछ लोगों के मन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या हम इसे एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में एक नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्या कुछ है ये? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक दवाई है जो हमारे देश में बहुत सालों से और बीमारियों के लिए यूज हो रही है, चाहे वो गठिया की बीमारी हो या एक बीमारी है एसएलई उसके लिए हो, तो इसलिए वो ये है कि वो रिलेटिवली सेफ ड्रग है, लेकिन उसका कार्डियक साइड इफेक्ट है वो कुछ लोगों में होते हैं, स्पेशली जिनको जो और दवाइयां ले रहे हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो ये देखा गया था कुछ स्टडीज में कि अगर हम इसको दवाई को कुछ लोगों में दें एज प्रोफिलैक्सिस की बीमारी होने से पहले, तो अगर इनको वायरल एक्सपोजर होगा तो वायरस की रेप्लिकेशन का, वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ये कम करता है, रोक पाता है, और इसलिए ये संकेत आ रहे थे कि इस दवाई को लेने से या तो इन्फेक्शन नहीं होगा या बहुत माइल्ड सा होगा। और इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो लोग पहले कोविड पेशेंट के फैमिली मेंबर जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको हम एडवाइस किया था मिनिस्ट्री ने कि उनको दिया जाए। अब वो बढ़ा दिया गया है कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल लोग हों जो ये कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट्स में काम कर रहे हैं, या सर्वेलेंस टीम है जो घर घर जाके लोगों का सर्वे कर रही है कि उनको कोविड 19 के कोई लक्षण तो नहीं है, उनको भी ये दवाई दी जा सकती है। क्योंकि कुछ जो डेटा पिछले कुछ हफ्तों में आया है उससे ये संकेत मिले हैं कि प्रोफिलैक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इस दवाई का फायदा हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम दवाई दें तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से और डॉक्टर की को पूरी तरह से दिखा के ले और वो मॉनिटरिंग हो, क्योंकि जो भी हम दवाई देते हैं उसके साइड इफेक्ट्स जो है उस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जिन जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको लेना चाहिए, आप खुद से नहीं ले सकते। और इस बीच अब हम रुक करेंगे अलवर का, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन। हेलो नवीन जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर मैं ये कहता हूं कोरोना के जो नए लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो कोरोना के जैसे जैसे हमें बीमारी के बारे में पता चल रहा है तो हमें ये भी पता चल रहा है कि कोरोना एक सिंपल निमोनिया नहीं है, उसके कई और भी लक्षण है, क्योंकि वो शरीर के और कई भाग में भी असर कर सकता है। तो एक लक्षण ये है कि जो हम देख रहे हैं हमारे अपने भी कई पेशेंट्स में कि बुखार के साथ सिर्फ डायरिया हो सकता है, कि कई दिनों तक डायरिया भी है, गला और कोई जुकाम नजला खांसी नहीं हुई, सिर्फ डायरिया हुआ। कई हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक हो गया था, बहुत अनकॉमन है, लेकिन कोई यंग लोग हैं जिनके जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई और स्ट्रोक हो गया, उस टाइप के लक्षण भी आ रहे हैं। कोविड 19 जो है वो कुछ हद तक खून की नाली में भी सोजिश कर देता है, तो इस और क्लॉटिंग खून में कर देता है, तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। और एक नया लक्षण जो कुछ पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है बाहर भी, कि आपका जो स्वाद है वो टेस्ट खत्म हो जाता है, और जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है, तो आपको सूंघने में भी लगता है कि आपको कुछ स्मेल आपकी खत्म हो गई है, और जो स्वाद है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये कुछ नए लक्षण हैं जो कुछ पिछले कुछ हफ्तों में उभर के आए हैं, और जैसे जैसे हम पेशेंट्स को देखते हैं तो अब हमारा जो सस्पिशन है अगर ये लक्षण हो तो टेस्टिंग के लिए बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे थे उनके उनमें वो लक्षण थे तो बहुत आसान था इसकी पहचान करना कि कौन संक्रमित है या कौन संक्रमित नहीं है, लेकिन जब से एसिम्प्टोमैटिक ये बीमारी हुई है, बहुत सारे लोगों के अंदर लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये एक बहुत जरूरी बात समझना है। जब हमारे हम ये जैसे देख रहे हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, स्पेशली जो यंग एज ग्रुप के हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरे एक और स्टेज है जो हम कहते हैं प्री सिम्टोमेटिक, कि अभी आपको लक्षण शुरू नहीं हुए, दो दिन बाद लक्षण आएंगे, लेकिन अगर हम आपके थ्रोट स्वैब करें या आपकी जांच करें तो आपके गले में ऑलरेडी वायरस आ चुका है और आप इन्फेक्शियस हैं, आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, और ये दो आपके बुखार आने से दो दिन पहले भी शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि
लक्षण आने से पहले भी आप वायरस को फैला सकते हो। और इसी लिए ये बात फिर शुरू हुई थी कि सब लोगों को मास्क डालना चाहिए, चाहे आपको लक्षण हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर आप प्री सिम्टोमेटिक हैं और एसिम्टोमेटिक हैं तो आपको अभी इतनी खांसी नहीं है। जो वायरस आप फैला सकते हैं वो सिर्फ जोर से बोलने से या कुछ ऐसा लंबा सांस बाहर छोड़ने से ही हो सकता है। अगर हम मास्क डाल लें तो वो मास्क जो है वो वायरस को बहुत दूर तक फैलने नहीं देगा एसिम्टोमेटिक लोगों में भी, तो फिर वो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी और फिर वो इन्फेक्शन फैल नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हम देखें तो पिछले कई हफ्तों से हम सारे लोगों में मास्क डालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उससे एसिम्टोमेटिक लोगों में भी अगर इन्फेक्शन है तो आगे नहीं फैलेगा। डॉक्टर साहब, मास्क को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि किस तरीके का मास्क हमें लगाना चाहिए और वो लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास सोशल मीडिया पे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं कि कई वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो क्या लगाते रहेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा या ये किस वजह से है? हाँ, तो मास्क जो है वो अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि तीन टाइप के मास्क हैं। एक तो जो हम घर पे यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉथ मास्क या क्लॉथ कवर, जो आजकल बहुत मिलते हैं, कपड़े के मास्क हैं, घर पे आप खुद सी सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, और आम आदमी के लिए वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि उन मास्क को अगर आप डालो तो सांस में घुटन नहीं होगी, लेकिन वो आपके नाक और मुंह के अराउंड टाइटली फिट होना चाहिए जी। अगर मास्क आपका टाइटली फिट नहीं है और मास्क के साइड से हवा अंदर जा रही है तो वो मास्क इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा जो हमारे पास मास्क आते हैं, हम कहते हैं ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, वो हम उन लोगों के लिए कहते हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे हो सकता है कि कोविड पेशेंट के संपर्क में आए लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट होने के चांसेस कम है। और तीसरा जो मास्क हम कहते हैं वो N95 मास्क जी। N95 का मतलब कि ये मास्क जो है ये छोटे छोटे जो वायरस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं उनको भी ये रोक लेता है। अब ये मास्क भी हमें टाइटली लगाना पड़ता है जिससे साइड से हवा अंदर ना जाए और सारी जो हवा हम अंदर लेते हैं सांस के जब हम सांस लेते हैं तो वो मास्क के थ्रू ही जाए जिससे वो फिल्टर हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब वो मास्क लगाते हैं N95 तो इसमें आदत डालने की जरूरत है क्योंकि थोड़ी बहुत घुटन होती है क्योंकि सांस है जो उसमें जोर लगाना पड़ता है और खुल के सांस नहीं ले पाते। देखिए N95 मास्क उन लोगों के लिए है जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं या ICU में है या ऐसी जगह में है जहां पे वो कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में है। तो इसलिए जो आम जनता है उनको अगर वो क्लॉथ मास्क यूज करें, कपड़े का मास्क यूज करें तो वो उनके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा और वो उनके लिए कारगर भी रहेगा। और डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही है, ये कहा जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं मास्क लगाने के बाद तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा अंदर ले लेते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक गलत धारणा है क्योंकि हमारे जो हम जो बाहर सांस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं है और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम जो हवा अंदर हमारे अंदर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता बहुत अच्छी है लंग्स में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन मास्क से नहीं होती है। कई लोगों की ये धारणा भी रहती है कि अगर हम मास्क बहुत देर लगा पाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, बेहोशी हो सकती है। ये धारणाएं जो सोशल मीडिया में चल रही है बिल्कुल गलत है। मास्क आप पूरे टाइम पे लगाएं, बेफिक्र रहें, ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ना ऑक्सीजन कम होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही और हमारे इस कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश होती है कि लोगों के मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं COVID-19 को लेकर उसका हम अपने एक्सपर्ट से पूरा सही तरीका क्या है सही जवाब उनको उन तक पहुंचाएं। और इस बीच हम रुख करेंगे ओडिशा का जहां से बुल्लू पटनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो पटनायक जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, माई नेम इज बुल्लू पटनायक, केंदुझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माई क्वेश्चन, कोरोना डिजीज एंड कोरोना महामारी फर्क क्या है? तो कोरोना डिजीज का मतलब ये है कि कोरोना जो है एक वायरस है
जिसको हम ये कहते हैं कि ये कोरोना फैमिली से है और उसका ये नाम है। कोरोना महामारी का मतलब वो पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो वायरस है ये एक नया वायरस है जो दिसंबर के एंड में इस दुनिया में आया था। ये वायरस एक नॉवल वायरस था जो स्पीसीज जम करके आया, मतलब जानवरों से ये ह्यूमंस में आ गया, इंसान में आ गया। और महामारी के लिए इसने दो चीजें इसमें हुई, एक तो ये हुआ कि ये एक नया वायरस था जिसमें किसी इंसान की इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए किसी को इससे बचाव नहीं था। दूसरा, इस वायरस की ये एबिलिटी हुई कि ये इन्फेक्शियस था, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड बहुत ये कर पाता है, एक से इंसान से दूसरे इंसान जल्दी फैल जाता है। तो इस दो कारण इसके इस दो रीजन के कारण ये वायरस महामारी बन गया, पैंडेमिक बन गया और एकदम चाइना में फैल गया और चाइना से फिर सारे दुनिया में फैल गया, क्योंकि उसके ये जो दो एबिलिटीज थी, एक तो नॉवल होने के कारण, नया होने के कारण जिसले किसी को इम्यूनिटी नहीं थी, और दूसरा कि वो इन्फेक्शन ज्यादा था, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड बहुत जल्दी कर रहा था, इसलिए ये एक महामारी हो गया। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग, जो पेशेंट्स कोरोना से ठीक हो चुके हैं और अपने घर वापस आ रहे हैं, उनकी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है समाज में, एक लोगों के अंदर डर है कि कहीं उनसे दोबारा स्प्रेड ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसे लोगों के जिनके अंदर इस तरह की सोच है, उनसे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें तो एक, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी कोरोना का व्यक्ति है, चाहे वो कोरोना से अभी सफर कर रहा है, संक्रमित है, या जो ठीक हो गए हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी टाइप का खतरनाक बीमारी है और हमें अगर हम ध्यान नहीं अपना ये एकदम सारी कॉलोनी में फैल जाएगा। एक अगर आपकी कॉलोनी में व्यक्ति है, आप अपने प्रिकॉशन रखें, लेकिन उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, क्योंकि आप उसकी मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। दूसरा, अगर कोई रिकवर कर जाता है, जिसको कोविड 19 हुआ वो ठीक हो जाता है जी, तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और यही एंटीबॉडीज हम यूज भी करते हैं, जो हम कहते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा, की जो ठीक हो गया उसका ब्लड लेके हम जो बीमार है उसको देते हैं, जिससे ये एंटीबॉडीज उस व्यक्ति जो बीमार है उसको ठीक होने में मदद करें। तो ये व्यक्ति है, इसके शरीर जो ठीक हो गया, इसके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस तो बहुत कम है, ये तो प्रोटेक्टेड है, और इसलिए ये हमारे कॉलोनी में के लिए या आपके एरिया के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वायरस अब एटलीस्ट कुछ समय के लिए कोई इफेक्ट नहीं कर सकता जी। और श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रणदीप, चलते चलते आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या 3-4 मेन बात बताना चाहेंगे जल्दी से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस लड़ाई को जीतना है, और ये जो लड़ाई है ये हर एक व्यक्ति की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है। और अगर हमें ये एक व्यक्तिगत तौर पर इस लड़ाई को जीतना है, तो सबको, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको जो प्रिकॉशंस हैं वो पूरे रखने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है, मास्क हमेशा लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा करनी है। अगर हम ये चीजें करेंगे तो हम आम अपना जीवन जो है वो सामान्य कर पाएंगे और इस वायरस को आगे नहीं फैलने देंगे जी, बिल्कुल, और तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे जी। डॉक्टर नरदीप, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि शाखें रहें तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।